नमस्कार दोस्तों दोस्तों मौसम बदलने के साथ साथ कुछ शारीरिक परेशानियां भी शुरू हो जाती है और ऐसी ही एक समस्या होती है खांसी की, जिससे कभी ना कभी हर कोई परेशान होता ही है। वैसे गौर किया जाए तो खांसी की परेशानी अलग अलग तरह की होती है और अगर खांसी के प्रकार को न समझा जाए तो ये समस्या धीरे धीरे गंभीर बीमारी का कारण भी बन सकती है। और इसीलिए आज इस वीडियो में खांसी के प्रकार और इससे जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को समझेंगे, जिससे कि समय पर खांसी की समस्या का निदान किया जा सके। दोस्तों वैसे तो खांसी के कई प्रकार हैं, लेकिन यहाँ पर हम वैज्ञानिक शोध के आधार पर कुछ प्रमुख प्रकारों के बारे में बता रहे हैं। सबसे पहले दोस्तों बात की जाए सूखी खांसी की, तो सूखी खांसी यानी कि ड्राई कफ की समस्या श्वसन संबंधी बीमारियों के कारण शुरू हो सकती है, जैसे कि सर्दी या फ्लू। और ऐसी समस्या तब शुरू होती है जब गले में म्यूकस कम या फिर नहीं होता है, और ऐसी स्थिति के कारण व्यक्ति अपने गले में खुजली महसूस करता है और साथ में खांसी भी आने लगती है। वैसे तो खांसी की समस्या अपने आप ही ठीक हो जाती है, लेकिन लंबे वक्त से चली आ रही खांसी की समस्या अन्य बीमारियों को दावत दे सकती है। इन बीमारियों की बात करें तो उसमें है अस्थमा, तो खांसी के कारण अस्थमा की समस्या हो सकती है और ऐसे में सीने में जकड़न, सांस लेने में तकलीफ और गड़गड़ाहट जैसे लक्षण महसूस किए जा सकते हैं। दूसरा है गेस्ट्रो ईसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़, तो ये समस्या तब हो सकती है जब पेट का एसिड ऊपर की तरफ बढ़कर गले में पहुंच जाए और इसकी वजह से खांसी शुरू हो जाए। और उसके बाद बात की जाए लंग कैंसर की, तो फेफड़ों के कैंसर से संबंधित खांसी, बलगम में खून आने के लक्षण देखे जा सकते हैं जो कि फेफड़ों के कैंसर के कारण बन सकते हैं, और ऐसे लक्षण नज़र आने पर जल्द से जल्द डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। और बात की जाए कि सूखी खांसी का इलाज क्या होता है, तो सूखी खांसी के इलाज के लिए डॉक्टर कफ सिरप दे सकते हैं, या अगर गले में सिर्फ खराश की समस्या है तो गर्म पानी का सेवन और गरारे करने से भी लाभ मिल सकता है। दूसरे प्रकार की जो खांसी है दोस्तों वो है गीली खांसी, तो गीली खांसी यानी कि वेट कफ की समस्या इन्फेक्शन जैसे कि फ्लू, सामान्य सर्दी या फिर सीने में इन्फेक्शन की वजह से होती है। खांसी के प्रकार में शामिल गीली खांसी की समस्या अगर गंभीर हो जाए तो इससे अन्य बीमारियों का खतरा भी बढ़ सकता है, जैसे कि बात की जाए ब्रोंकाइटिस की, तो ये ऐसी स्थिति है जिसमें सांस की नलियों को नुकसान पहुंच सकता है और इसकी वजह से कफ जो है वो साफ करना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद जो बात की जाए निमोनिया की, तो ये समस्या तब शुरू हो सकती है जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण फेफड़ों के टिश्यूज़ में सूजन आ जाती है। और उसके बाद बात की जाए नॉन ट्यूबरक्यूलस माइकोबैक्टीरियल इन्फेक्शन की, तो ये इन्फेक्शन फैलता नहीं है लेकिन इसके कारण थकान, अस्वस्थता महसूस होने के साथ साथ वज़न कम होने की समस्या भी शुरू हो सकती है। और बात की जाए COPD यानी कि क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ की, तो अगर COPD की समस्या शुरू होती है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति को सांस लेने में कठिनाई और गले से गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। और बात की जाए कि गीली खांसी का इलाज क्या है, तो शरीर में पानी की संतुलित मात्रा बनाए रखने से गीली खांसी की समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है। और वही कुछ लोगों को ओवर द काउंटर यानी कि OTC खांसी की दवाओं से भी राहत मिलती है। हालांकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से कफ की समस्या को दूर करने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं की भी ज़रूरत पड़ सकती है। और अब हम दोस्तों जानेंगे काली खांसी के बारे में, तो काली खांसी यानी कि वूपिंग कफ को मेडिकल की भाषा में पर्ट्यूसिस भी कहा जाता है और ये तेज़ी से फैलने वाली संक्रामक बीमारी है। नवजात शिशुओं और जिन लोगों ने टीकाकरण नहीं करवाया है उनमें ये बीमारी विकसित हो सकती है। काली खांसी से पीड़ित व्यक्ति में हल्की सर्दी या फ्लू जैसे लक्षण देखे जा सकते हैं जो कि धीरे धीरे गंभीर हो सकते हैं। कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली वाले लोग जैसे कि बच्चों को अगर ये समस्या शुरू हो जाए तो ये काफ़ी तकलीफदेह होने के साथ साथ सांस लेने में भी कठिनाई हो सकती है। और रिसर्च के अनुसार जिन लोगों में काली खांसी की समस्या होती है उन्हें लगभग 2 सप्ताह तक इसके फैलने की आशंका सबसे अधिक होती है। और बात की जाए काली खांसी का इलाज क्या है, तो काली खांसी से बचाव के लिए इसके टीकों को लगवाना अनिवार्य माना जाता है। वहीं एंटीबायोटिक की मदद से काली खांसी की गंभीरता को कम करने में मदद मिल सकती है और इसीलिए टीका नहीं लेने वाले लोगों को इसके लक्षण नज़र आने पर जल्द से जल्द डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अब हम दोस्तों जानेंगे पुरानी खांसी के बारे में, तो पुरानी खांसी यानी कि क्रॉनिक खांसी ऐसी समस्या है जो सामान्य बीमारी से ज़्यादा समय तक बनी रह सकती है, जो 8 सप्ताह या इससे भी अधिक रह सकती है और ये खांसी कभी कभी किसी अन्य शारीरिक बीमारी की ओर इशारा भी कर सकती है। ध्यान रखें कि पुरानी खांसी की समस्या एलर्जी, स्मोकिंग, निमोनिया, लंग डिजीज़, थ्रोट या ओरल कैंसर या फिर निगलने से जुड़ी समस्या के कारण हो सकती है।
और इसके इलाज की बात की जाए तो अगर खांसी की समस्या लंबे समय से चल रही है तो डॉक्टर से सलाह लें, डॉक्टर इसके कारणों के आधार पर इलाज शुरू कर सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों बात की जाए चॉकिंग की, तो यदि किसी व्यक्ति के एयर वे में कोई रुकावट है तो उसे खांसी हो सकती है और शरीर उस वस्तु से छुटकारा पाने की कोशिश कर सकता है। इसी तरह जो व्यक्ति कुछ बड़ा या कुछ ऐसा खा लेता है जिससे कि गले में जलन हो सकती है तो खांसी की परेशानी हो सकती है, वही दम घुटने की घटना के कारण भी खांसी की समस्या बनी रहती है और ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। दोस्तों बात की जाए बच्चों में खांसी की समस्या की, तो बच्चों में प्रायः वायरल इन्फेक्शन के कारण क्रूप खांसी की समस्या देखी जाती है जो विशेष रूप से 5 और उससे कम उम्र के बच्चों में होती है। क्रूप खांसी के कारण वायुमार्ग में सूजन आ जाती है और जलन होने लगती है। छोटे बच्चों का वायुमार्ग पहले से ही काफ़ी पतला होता है और इसीलिए जब सूजन वायुमार्ग को और अधिक पतला कर देती है तो उनके लिए सांस लेना मुश्किल हो सकता है, जिसके कारण बच्चों को सांस लेने में कठिनाई, सांस लेते समय तेज़ आवाज़ें निकालना या बच्चे बहुत तेज़ी से सांस लेने लगते हैं। और अगर बच्चों में खांसी की समस्या नज़र आए तो डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। तो दोस्तों खांसी के अलग अलग प्रकारों को समझकर इससे छुटकारा पाया जा सकता है और इसीलिए अगर आप या किसी भी उम्र के लोगों में ये समस्या लगातार बनी रहे तो जल्द से जल्द डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और ऐसा करने से बीमारी की जानकारी भी समय पर मिल जाएगी और इलाज भी जल्द से जल्द शुरू हो सकता है, जिससे कि मरीज जल्दी ठीक हो सकते हैं और फैलने वाली खांसी की समस्या को भी एक से दूसरे व्यक्ति में फैलने से रोकने में मदद मिल सकती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो और जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक कर लें ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। थैंक्स फॉर योर टाइम।